2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूत करने का काम किया था और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है तो अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस बूथ क्षेत्र गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, ये गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वह देवरिया में देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कॉलेज सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय, देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था, इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर।